अपने भाषण के दौरान मैंने पीठ की तरफ इशारा किया था और मैंने कहना चाहा था कि नए सदस्यों के लिए और छोटी पार्टियों के लिए पीठ का संरक्षण मिलना चाहिए। हमारे नेता नरेश अग्रवाल जी ने मुझे डपट दिया ये कह करके कि चेयर पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। आज ये बहस चल रही है, मैं पीठ के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, नेता सदन के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, नेता प्रतिपक्ष के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि पीठ को कम से कम नए सदस्यों के बारे में, कम बोलने वाले सदस्यों के बारे में या कभी कभी बोलने वाले सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे बुलाया गया, मैं खड़ा हुआ, मुझे बिठा दिया गया, मैं जानता हूं, मैंने नियमावली पढ़ी है, मैंने परंपराएं पढ़ी हैं। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन किसी वक्त भी खड़े होकर अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पूरे सम्मान के साथ उनको सुना जाएगा। लेकिन बीच में एक घंटे का भाषण शुरू, में एक घंटे के लिए बैठा रहा, जब लीडर अपोजिशन से कहा बोलो, बोले हम नहीं बोलेंगे, फिर मेरा नंबर कट गया। आज जिस महस पर हम, जिस मुद्दे पर हम आज बहस कर रहे हैं इस सदन के अंदर, यह मुद्दा दो पार्टियों के बीच का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी में राष्ट्रवाद को लेकर के चैंपियनशिप जताने का मुद्दा है क्या? और इसमें क्या एक्सपर्ट कमेंट सीताराम याचुरी का हर 5 मिनट बाद जरूरी है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं चेयर से कि मेरे इस समय को जो मैंने टिप्पणी की है इसको उससे हटा दिया जाए। मैंने अपनी पीड़ा आपके सामने नया सदस्य और कम बोलने वाला सदस्य होने के नाते व्यक्त की है। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसके बारे में नेता सदन ने भी कहा और बीजेपी के वक्ता भाई भूपेंद्र यादव जी ने भी कहा। बहस जब शुरू सीताराम याचुरी जी ने की थी उस समय मैं सोच रहा था कि मैं सीताराम याचुरी जी के भाषण से अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन सत्ता पक्ष के दो नेताओं की बातें सुनने के बाद मुझे उनसे अपनी बात शुरू करनी है। बार बार यह कहा जा रहा है कि जेएनयू में कौन कौन चला गया, क्यों चला गया, वहां देश के विरोध में नारे लग गए और इधर से अखबारों में, मीडिया पे सब तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि जेएनयू के अंदर देश के खिलाफ जो नारे लगे अक्रॉस पार्टी लाइन वो गलत है। उनकी निंदा होनी चाहिए, उनकी भर्सना होनी चाहिए, वो आगे न लगें इसके इंतजाम सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, सब जगह सब राजनीतिक शक्तियों को करने चाहिए, सरकार को करने चाहिए, सब देश के प्रति प्रेम रखने वाले नागरिकों को करने चाहिए। यह आम सहमति का सवाल है, देश प्रेम कोई पार्टियों का सवाल नहीं है, राष्ट्रभक्ति कोई पार्टियों का सवाल नहीं है, देश में संविधान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, भारत के आजादी के आंदोलन की विरासत में अपना हिस्सा मानने वाले सभी लोगों के बीच इस बात की आम सहमति है कि हम देश के खिलाफ, इसकी भौगोलिक एकता के खिलाफ, इसकी आपसी एकता के खिलाफ, इसके भाईचारे के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पे रख रहे हैं। अरे भाई, नारे किसी ने लगाए? आप राजनीतिक पार्टियों को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसे उन नारे लगाने के लिए दोषी ठहरा सकते हो? यह आज हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम किसी एक पार्टी का और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है।
ये राष्ट्र की बात करते हैं। मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा सिलसिलेवार तारीखवार उस घटना का ब्यौरा पेश कर दिया है। लेकिन जेएनयू में जो हुआ उस पर मैं ये कहना चाहता हूं, और गृहमंत्री जी भी यहां मौजूद हैं और सारा वरिष्ठ सदन के सारे वरिष्ठ सदस्य यहां मौजूद हैं, मैं बड़े अदब के साथ एक बात माननीय उपसभापति जी आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या भारत की टेरिटरी में सीमा में अफजल गुरु की प्रशंसा, याकूब मेनन की प्रशंसा, या देश के विरोध में नारे, देश को तोड़ने वाले नारे पहली बार लगे हैं क्या? आए दिन मैं पढ़ता हूं अखबारों में और टीवी पर देखता हूं, कश्मीर के अंदर जुलूस निकलते हैं, मुजाहरे होते हैं, और जैसे नारे जेएनयू में कुछ लोग नकाब पहन करके लगा रहे थे वैसे ही नारे आए दिन लगते हैं कश्मीर के अंदर। मेरा निवेदन यह है, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा, उनका पक्ष नहीं ले रहा, उनकी साइड नहीं ले रहा हूं। राष्ट्र विरोधी कौन है और दूसरे लोगों को, राजनीतिक दलों को राष्ट्र विरोधी ब्रांड करने का प्रयास करने से पहले अगर अपने बगलगीरों को, अपने सहयोगियों को और उनके समर्थकों की तरफ जरा नजर दौड़ा लेते तो राष्ट्र विरोधी चिन्हित करने में आपको आसानी हो जाती। लेकिन वो काम आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं मेन स्ट्रीम की, इन्हें किसी तरीके से भी पकड़ो और उनके जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके खेमे में जाकर के खड़ा कर दो। लोकसभा के अंदर हमारी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने भाषण किया, उन्होंने भी बात यहीं से शुरू की, और मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र के विरोध का, राष्ट्र भारत की एकता का, भारत की अखंडता का, और जब मैं एकता अखंडता कहता हूं तो मैं सिर्फ सीमाओं की एकता की बात नहीं करता, मैं सिर्फ भौगोलिक एकता की बात नहीं करता, जब मैं एकता और अखंडता की बात करता हूं तो जनता की एकता और अखंडता उसकी भी बात करता हूं, उनके भाईचारे की और सद्भाव की भी बात करता हूं। तो जो सीमा पर नजर टेढ़ी करेगा, जो देश की एकता पर नजर टेढ़ी करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, और जो हमारे आपस के भाईचारे को तोड़ करके देश की एकता तोड़ने का प्रयास करेगा हम उसके भी खिलाफ हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। जेएनयू की क्या घटना है? जेएनयू की घटना यह है कि एक रोहित वेमुला का कांड हुआ, एक घटना हुई हैदराबाद में, मालूम है मुझे, लेकिन रोहित वेमुला को दफनाना था इसलिए बार बार अफजल को उखेड़ना पड़ता है, यह बीजेपी की लाइन है, रोहित वेमुला को गाड़ दो और अफजल को उखाड़ लो, क्योंकि अगर अफजल सामने नहीं होगा तो फिर इनके राष्ट्रवाद की पुष्टि नहीं हो सकती। यह कोई तरीका है? कौन अफजल को यहां सब्सक्राइब कर रहा है? कौन या याकूब मेनन को सब्सक्राइब कर रहा है? बार बार साफ बर्बादी के नारे लगा दिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने सहयोगियों के जुलूस में आने वालों की निशानदेही करो, वहां आप पाओगे कि कौन जो है राष्ट्र विरोध में है और कौन राष्ट्र पक्ष में है। अफजल की प्रशंसा जिन्होंने की, मेन स्ट्रीम पार्टियों में जिन्होंने की, आप उनसे हाथ मिलाते हो? आपको कोई परेशानी नहीं होती? और मेन स्ट्रीम दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, इन पर जब चाहो राष्ट्रभक्ति का इनके ऊपर इल्जाम लगा देते हो। राष्ट्र प्रेम हम भी करते हैं, राष्ट्र से प्यार हम भी करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस राष्ट्र की बात करते हो, आप जिस राष्ट्र की अवधारणा की बात करते हो, वो राष्ट्र की अवधारणा भारत के संविधान में नहीं है, आपकी अवधारणा दूसरी है। भारत के संविधान में जिस राष्ट्र की अवधारणा है, उस अवधारणा में आज इस सदन के ज्यादातर लोग यकीन करते हैं, और जो राष्ट्र के संबंध में आपकी अवधारणा है वो अवधारणा या तो हिंदू राष्ट्र की है या अंध राष्ट्रवाद की है, ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही अध्यक्ष जी, मैं जेएनयू की घटना के दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। सबको ज्यादा मिला है। नहीं, दो मिनट से ज्यादा चाहिए। बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं, जेएनयू में क्या हुआ? जेएनयू में एक घटना हुई, सबने जिक्र कर दिया। उस घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
जेएनयू के अंदर काम करता है, एआईएसएफ वहां काम करती है, एसएफआई वहां काम करती है, आयसा वहां काम करती है, ये जेएनयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, एनएसयूआई भी वहां काम करती है, ये सब छात्र संगठन काम करते हैं, ओपनली काम करते हैं। और ये इनके नाम में इसलिए ले रहा हूं कि ये देश की मेन स्ट्रीम पार्टियों से जुड़े हुए संगठन हैं, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके कार्यक्रम को, उनकी विचारधारा को सब्सक्राइब करते हैं। दूसरे कुछ संगठन हैं जो इन पार्टियों के या इस धारा की विचारधारा को वो सब्सक्राइब नहीं करते, सुनते हैं कि उनका ताल्लुक किसी अंडरग्राउंड पार्टी से है, उनके काम के लिए, उनके दुष्कर्म के लिए, उनके किसी राष्ट्र विरोधी काम के लिए इन संगठनों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इनका क्लियर कट एक एसोसिएशन है पॉलिटिक्स के साथ, देश की मेन स्ट्रीम के साथ। एक पर्चे का जिक्र यहां किया गया, 9 तारीख का पर्चा, किसी ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन मैं 11 तारीख का एक पंफलेट दिखाना चाहता हूं। आज जो जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन है, उस स्टूडेंट यूनियन के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, उस स्टूडेंट यूनियन के अंदर आयसा के जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट है। उस स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक पर्चा 11 तारीख को जारी किया गया। उस पर्चे के अंदर स्टूडेंट यूनियन ने, जेएनयू एसयू ने जो पर्चा जारी किया, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, एट द आउटसेट वी कंडम द डिसाइसिव स्लोगन्स, भारत के टुकड़े होंगे हजार, दैट वर रेज्ड बाय सम पीपल ऑन दैट डे। इस पर्चे का जिक्र नहीं करते, पता नहीं कहां कहां के पर्चे ला रहे हैं उठा के, इस पर्चे का जिक्र नहीं करते। इस पर्चे पर दस्तखत किसके हैं? कन्हैया कुमार के, जो जेएनयूएसयू का प्रेसिडेंट है। इस पर्चे पर दस्तखत किसके हैं? शहला रशीद, जो वाइस प्रेसिडेंट है जेएनयूएसयू की। इस पर्चे पर दस्तखत किसके हैं? रामा नागा के, जो जनरल सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन का। और अगर इस पर्चे पर किसी के दस्तखत नहीं है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसने इस पर्चे पर दस्तखत करने से मना कर दिया और उसने ये पर्चा नहीं दस्तखत किया। ये है स्थिति, इल्जाम लगाया जा रहा है। और आज टीवी में और पब्लिक डोमेन में ये बात आ चुकी है कि जो टेप पेश किए जा रहे हैं मीडिया में, वो सबके सब ज्यादा से, उसमें से ज्यादातर डॉक्टर्ड हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये भी बात आई है सामने कि राष्ट्रवाद को के खिलाफ और भारत को तोड़ने वाले नारे कुछ एवीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी लगाए, जिनकी फोटो मीडिया पर चल रही है। जांच का विषय है कौन सी सही है, कौन सी गलत है। और कन्हैया कुमार ने क्या कर दिया भाई? कन्हैया कुमार क्यों बंद हो गया? इतनी फुर्ती दिखाई। आज हमारी एचआरडी मिनिस्टर एक सवाल के जवाब में कहती हैं, हमारे ही पार्टी के एक साथी ने एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में लिखती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय संवैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जिनका संबंधित अधिनियम के तहत सृजन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छात्रों के विरुद्ध अनुशासन भंग करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन सहित वगैरह वगैरह अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। स्वायत्त शासी संस्था है। कन्हैया कुमार ने क्या किया था? मैं त्यागी जी से पूछना, त्यागी जी से नहीं पूछूंगा, चेयर को एड्रेस करूंगा। मुझे डी राजा से और सीताराम याचुरी से यह शिकायत है कि जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भाग लेता था, कार्य करता था, तो इन्होंने भविष्य में भारत कैसे बनेगा और यहां गरीब मजदूर की सत्ता कैसे स्थापित होगी, उसकी डायरेक्शन इन लोगों ने, अध्यक्ष जी, मुझे कभी नहीं दी। आज कन्हैया कुमार का भाषण जो सारे मीडिया में चल रहा है, वो कन्हैया कुमार क्या कहता है? वो कहता है पूंजीवाद से आजादी। वो कन्हैया कुमार क्या कहता है? वो कहता है संप्रदायवाद से आजादी। वो कन्हैया कुमार कहता है संघवाद से आजादी। वो कन्हैया कुमार कहता है दंगाइयों से आजादी। और ये आजादी आजादी मांगते हुए कन्हैया कुमार वो साथ में ये भी कह देता है कि इसके लिए दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का मोर्चा बनकर के राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए।
ये है लाइन, ये है पॉलिटिक्स जो डीपीटी जी ने भी नहीं दी कभी हमें। हम इनके भी बहुत भाषण सुनने जाते थे जेएनयू में, डी राजा ने भी नहीं दी, सीताराम ने भी नहीं दी। आज कन्हैया एक लाइन दे रहा है तो पूछो कि अगर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, लोहिया के मानने वाले, मार्क्स के मानने वाले, अंबेडकर को सलाम करने वाले, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो कुछ बचेगा? ये है असल कारण जो बीजेपी को विचलित कर रहा है, ये है असल कारण जो कन्हैया को जेल में रखे हुए है। मैं जानता हूं हमारे माननीय सदस्य यहां मणिशंकर अय्यर जी बैठे हैं, राजा दिग्विजय सिंह जी यहां से चले गए, माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये बड़े बड़े लोग ये बीजेपी के बारे में, सत्ता के बारे में क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं कहते, मैं कहना चाहता हूं। लेकिन इनकी बात को बड़े सहज तरीके से सत्ता सहन कर लेती है। लेकिन अगर 21 साल का हार्दिक पटेल और 24 साल का कन्हैया अगर देश की राजनीति को भविष्य की दिशा दिखाने का संकल्प लेता है तो उसे राष्ट्रद्रोह का केस लगा करके जेल के अंदर ठूंसने का काम यह सत्ता करती है। मैं ये कहना चाहता हूं सभापति जी कि जेएनयू का मामला बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उसमें राजनीतिक दलों को आपस में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को आम सहमति के आधार पर जेएनयू की जो गौरवशाली परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और राष्ट्रद्रोही ताकतों का हर स्तर पर विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। कैसे त्यागी